बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। उत्तराखंड में कैबिनेट का बंटवारा हो चुका है और तीरथ सिंह रावत ने आते ही कुछ दिनों में त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, उनके कई जो नियम थे, उनके कई फैसले थे, उनको पलट दिए। लेकिन क्या फिर भी एक साल के अंदर नए मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए आगे का जो राह है वो आसान होगा या फिर नहीं, वो कितना बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव में बस एक साल बचा है। एक साल में वो जो चीजें त्रिवेंद्र सिंह रावत छोड़ के गए थे, जिसमें कहा भी जा रहा था कि उनकी जो विकास कार्य है उसकी रफ्तार काफी धीमी है, जिस वजह से जो जनता है और जो उनके जो मंत्रिमंडल है और जो नेतागण है वो भी काफी नाराज है। इन सभी को संभालते हुए क्या तीरथ सिंह रावत आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतरी कर पाएंगे, बेहतर प्रदर्शन दिखा पाएंगे, यह भी एक सवाल बना हुआ है। बहुत से कारण गिनाए जा रहे हैं और उसमें से कुछ कारण हैं जो हमें भी लगा कि आपको पता होने चाहिए, जो तीरथ सिंह रावत के सामने चुनौती बन सकती है। हम एक एक करके उन सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले जो मसला आता है वो है गैर सिंह। हमें पता है कि कैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैर सिंह को मंडल बनाने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद कुमाऊं और खास तौर पर अल्मोड़ा में काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था और कुछ नेता, उनके अपने पार्टी के नेता भी इसके खिलाफ आ गए थे और बोले थे कि ये जो फैसला है इसे पलटना पड़ेगा। अब तीरथ सिंह रावत के पास ये चुनौती, उनके सामने ये चुनौती है कि क्या वो इस फैसले को जल्द से जल्द पलट पाएंगे, क्योंकि वो जितनी जल्दी इस फैसले को पलटेंगे लोगों का विश्वास उनके प्रति और बढ़ेगा, उनके जो मंत्रिमंडल हैं उनका विश्वास और बढ़ेगा। तीरथ सिंह रावत के सामने दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो है नौकरशाही को खत्म करना। हमें पता है कि कैसे तीरथ सिंह रावत के आने से पहले, त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में जो अफसर लोग थे उनका बोलबाला बहुत ज्यादा था, जिससे उनके जो नेतागण हैं, उनके मंत्रिमंडल हैं, वो भी काफी नाराज थे और इसी वजह से जो पार्टी में बगावत का रुख देखने को मिला था। अब देखना ये होगा कि क्या तीरथ सिंह रावत भी अपने अफसर पर, अपने नौकरशाहों पर निर्भर रहते हैं या फिर वो खुद मुख्यमंत्री होने के नाते जो पावर का बंटवारा है, जो शक्ति का बंटवारा है, वो अपने अपने मंत्रिमंडल में विभाजित करते हैं और हर एक मंत्री को उनका अपना एक जो हक है वो दिलाने में कामयाब होते हैं। तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने एक और चुनौती खड़ी है। चुनौती ये कि उन्हें अब हाल ही में उपचुनाव भी लड़ने हैं, वो वर्तमान में विधायक हैं और अभी उन्हें ऐसी सीट खोजनी होगी जहां वो आसानी से जीत सके, ताकि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में उन पर कोई ज्यादा प्रभाव इस बात का न पड़े, क्योंकि अगर वो हार जाते हैं तो फिर उन पर सवाल उठने कहीं ना कहीं खड़े शुरू हो जाएंगे। एक बड़ी चुनौती संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने की भी होगी। अभी संगठन के स्तर पर सरकार को लेकर कई शिकायतें हैं, कई वरिष्ठ नेताओं की यह शिकायत है कि उनकी सरकार में अफसर सुनते नहीं, जैसा हमने आपको बताया भी। तो तीरथ को सरकारी तंत्र में ऐसे मोहरे फिट करने होंगे कि संगठन के कार्यों में कोई बाधा न आए। चुनावी साल होने के कारण संगठन का सरकार पर दबाव बनना स्वाभाविक भी है। इन सारे चुनौतियों को पार करने के बाद तीरथ सिंह रावत अगले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो सकते हैं या नहीं, ये अब भी एक सवाल है। लेकिन ये जरूर सत्य है कि सरकार में आने के बाद उन्होंने कई ऐसे फैसले पलटे हैं जिससे खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत नाखुश नजर आ रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा और अगले विधानसभा चुनाव में जनता का रुख क्या होगा वो भी उपचुनाव में साफ हो जाएगा। आप देख रहे थे मीडिया हलचल। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शुक्रिया।